बीजेपी कल जारी करेगी संकल्प पत्र। बीजेपी मुख्यालय में संकल्प पत्र जारी होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहां मौजूद रहने वाले। ये बता दें आपको, बीते कल लता मंगेशकर के निधन पर जारी नहीं किया गया था घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में किसान, युवा, महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी होगा। संकल्प पत्र में बिजली बिल में राहत की बात भी बीजेपी कर सकती है, तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर फोकस पार्टी का रह सकता है। रोजगार हो या फिर बिजली बिल, जैसा कि मैंने कहा कि राहत दे सकती है सरकार इस पर भी। तो बीजेपी कल अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। स्थगित बीजेपी को संकल्प पत्र अपना करना पड़ा था। राष्ट्रीय शोक 2 दिन का घोषित किया गया, क्योंकि लता मंगेशकर के निधन की खबर अचानक से सामने निकल के आई। बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या संभावना है, किस पर जोर होगा, एक नजर इस पर भी डाल रहे हैं। गरीब, किसान और महिलाओं पर यह केंद्रित रहने वाला है। नए रोजगार सृजन पर भी फोकस पार्टी करने वाली है। इसके अलावा बिजली को लेकर महत्वपूर्ण वादा यहां पर हो सकता है। किसानों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा भी इस संकल्प पत्र में बीजेपी कर सकती है। नए रोजगार सृजन पर भी फोकस हो सकता है। साथ ही जीरो बजट खेती पर ऐलान संभव माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, किसानों के लिए बड़ी योजना यहां पर लाई जा सकती है। डिजिटल शिक्षा पर भी जोर हो सकता है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कल की अगर बात करें तो कल घोषणा पत्र बीजेपी जारी नहीं कर पाई थी लता मंगेशकर के निधन की वजह से, लेकिन अब खबर इस तरह की है कि कल जरूर तस्वीर साफ हो जाएगी। घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ रहने वाला है खास? कल बीजेपी जो है वो अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। यूपी बीजेपी मुख्यालय पर यह संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। और कार्यक्रम में जैसे पहले ही तय हुआ था कि अमित शाह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। चूंकि कल ही ये संकल्प पत्र जारी होना था, लेकिन लता मंगेशकर की मृत्यु के बाद जिस तरह से शोक हुआ उसके बाद से ये कार्यक्रम जो है ये टाल दिया गया था। और अब 8 तारीख को, चूंकि कल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। और चूंकि वो किसी तौर पर कह सकते हैं कि 48 घंटे पहले किसी भी तरह से कोई प्रचार नहीं किया जाता, कोई घोषणा नहीं किया जाती, और इसीलिए बीजेपी जो है वो कल किसी भी हाल में सुबह 11 बजे के आसपास अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी। बिल्कुल, यानी कि कल ये घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। विशाल, काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये घोषणा पत्र क्योंकि जनता की निगाहें जो है वो टिकी हुई है, और खासकर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने सुझाव भी जनता से ही लिए हैं, जनता का संकल्प पत्र रह चुकी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जनता के जो तमाम सुझाव है वो आकांक्षा पेटी के माध्यम से संकल्प पत्र में शामिल किए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो बिजली बिल को लेकर एक बड़ी घोषणा हो सकती है, इसके साथ साथ नए रोजगार सृजन को फोकस होगा। पार्टी बिजली, खासतौर से कृषि क्षेत्रों को मिलने वाली बिजली को लेकर कोई महत्वपूर्ण वादा कर सकती है। तमाम चीजें हैं जो इस घोषणा पत्र में नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका।